नमस्कार दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्वेश्चन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन होल्ड टू फाइव जब हम कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें स्टैंडर्ड फंक्शन का कौन सा फॉर्मेट आएगा वो चेक करना है यहाँ पर अगर मैं एक्स क्यूब माइनस टू माइनस वन इसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर करता हूँ तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा दिया हुआ एफ ऑफ एक्स होल रेस टू 5 इस फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन बनेगा ये जो क्वेश्चन है ऐसा बनेगा तो हमें क्या पता है कि अगर x रेस टू n फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है n इन टू एक्स रेस टू एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स होल रेस टू n होगा तो उसका डेरेवेटिव क्या होगा एन एफ ऑफ एक्स होल एन माइनस वन ये एज इट इज इन टू एक्स की जगह इसलिए f x, ये आएगा, हम लिख देते हैं डिफ्रेंशियटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इसी को हम क्या बोलेंगे डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू फाइव है एज इट इज फाइव लिखेंगे ब्रैकेट में हमारा जो कंप्लीट एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन एज इट इज एन माइनस वन फाइव माइनस वन इज फोर इन टू एफ ऑफ एक्स मतलब वन आएगा प्रोडक्ट में माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो फाइव इन ब्राकेट एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन होल्ड इज टू फोर इन ब्रैकेट थ्री एक्स स्क्वेर माइनस टू ये हो गया हमारा डेरिवेटिव अब उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एक्स रेस टू थ्री बाई टू माइनस थ्री एक्स रेस टू फोर बाय थ्री माइनस फाइव होल रेस टू फाइव बाई टू इसमें भी जो अंदर वाला ये कंप्लीट पार्ट है इसको हम एफ ऑफ एक्स अज्यूम करेंगे तो ये कंप्लीट फंक्शन क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स रेज टू फाइव डिवाइड बाई टू ये भी एक्स रेस टू एन के फॉर्मेट में हो गया राइट एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन इन एक्स रेस टू एन माइनस वन सिमिलरली एफ ऑफ एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन और आगे यहाँ पे एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स है इसलिए प्रोडक्ट में आगे डेरीवेटिव आएगा एफ़ डैश ऑफ

टू कॉन्स्टेंट है इट इज रख देंगे एक्स रेस टू एन है ये इसका डेरिवेटिव एन इंटू एन थ्री बाई टू है इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन थ्री बाई टू माइनस वन इज वन बाई टू ये तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा टू एज इज रख दिया हमने एक्स रेस टू थ्री बाई टू का डेरिवेटिव थ्री बाई टू एक्स रेस टू वन बाई टू माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है एजट इज रख दिया एक्स रेस टू फोर बाय थ्री का डेरिवेटिव फोर बाय थ्री एक्स रेस टू वन बाई थ्री माइनस फाइव का डेरिवेटिव जीरो तो फाइनली हमारा डेरिवेटिव क्या बनेगा फाइव डिवाइड बाई टू टू एक्स रेस टू थ्री बाई टू माइनस थ्री एक्स रेज टू फोर बाई थ्री माइनस फाइव होल रेस टू थ्री बाई टू दूसरे ब्रैकेट में ये टू टू कैंसिल हो जाएगा थ्री एक्स रेस टू वन बाई टू माइनस थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा फोर एक्स रेस टू वन बाई थ्री दिस इज आवर डेरिवेटिव। इसमें जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है ये दो फॉर्मेट में आएगा ये जो कंप्लीट अंदर का फंक्शन है उसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा रूट एफ ऑफ एक्स या फिर इस रूट एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स रेस टू वन बाई टू ऐसे भी कर सकते हैं अगर हम रूट एफ ऑफ एक्स करते हैं तो इसका डेरेवेटिव क्या आ जाएगा वन डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स यस और प्रोडक्ट में एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम इस मेथड से जाते हैं तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन बाई टू ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स रेस टू एन है तो डेरिवेटिव एन इन टू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन वन बाई टू माइनस वन इज माइनस वन बाई टू इन टू एफ डैश ऑफ एक्स आ रहा है समझ में दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा ये एफ ऑफ एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू का मतलब होता है डिवाइडेड बाई अंडर रूट एफ ऑफ एक्स यस ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसको हम कैसे करेंगे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर एक्स माइनस सेवन होल रेस टू वन बाई टू समझ लेते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कौन सा फॉर्म x रेस टू n वाला फॉर्म x रेस टू n का डेरिवेटिव n इं टू एक्स रेस टू n माइनस वन होता है वहीं अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स होल रेस टू n है तो उसका डेरिवेटिव होगा n इं एफ ऑफ एक्स होल रेस टू एन माइनस वन इन एफ डैश ऑफ एक्स तो सिमिलरली इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे Differentiating विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है डी वाई dy डी एक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू वन बाई टू एज इट इज लिखी एक्सक्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन ये फंक्शन और वन बाई टू माइनस वन इज माइनस वन बाई टू ये हो गया एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इन टू अब ये अंदर के ब्रैकेट का डेरेवेटिव एक्सक्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस फोर एक्स का डेरिवेटिव फोर माइनस सेवन का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन फोर में उन्होंने हमें ट्रिक करने की कोशिश करी है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन डाल के लेकिन बिल्कुल भी डरना नहीं है हमें सबसे पहली चीज क्या पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है वन डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट एक्स वही अगर हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट एफ ऑफ एक्स होगा तो उसका डेरेवेटिव क्या होगा अंडर रूट एफ डैश ऑफ एक्स तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ये रूट का साइन है रूट के साइन के अंदर ये फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन के अंदर एक और ये छोटा फंक्शन है यस yes? तो हम सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फिर इसके अंदर का डेरिवेटिव फिर इसके अंदर के पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे पहले लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू वन डिडेड बाई टू अंडर रूट सबसे बाहर वाला फंक्शन लेने का सबसे बाहर वाला फंक्शन क्या है ये पूरा पूरा ये पूरा पूरा का फंक्शन आएगा प्लस प्लस अंडर रूट रूट अब जो के अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव अब अंदर वाली टर्म में एक्स है एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा टू एक्स प्लस फिर से हमारे पास एक रूट वाली टर्म है कौन सी ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वन वाली उसका डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा वन डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस वन अब क्या बचा ये रूट के अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन बचा उसका डेरिवेटिव सिर्फ इसी के मल्टीप्लिकेशन में आएगा टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो यस आ रहा है समझ में तो ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेटिव इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे वन डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वन ये बड़ा ब्रैकेट और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएगा ये आ जाएगा टू एक्स प्लस ये टू ये टू कैंसिल हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ये हो गया हमारा फाइनल डेरिवेटिव अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें हमें सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन में जो फंक्शन है उसको रीअरेंज कर लेना है ताकि हम उसका डेरिवेटिव आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम पहले क्या करेंगे इज इक्वल टू ये थ्री डिवाइड बाई फाइव इसको अलग कर लेते हैं एक ब्रैकेट में क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचा वन डिवाइडेड बाय अब जो डिनोमिनेटर में क्यूब रूट है और अंदर के ब्रैकेट का फंक्शन है उसको मैं ऐसे लिख दूँगा टू एक्स स्क्वेर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव ये होल रेस टू फाइव है राइट लेकिन ये जो पूरा फंक्शन है इसका उन्होंने वन डिवाइडेड बाय थर्ड रूट लिया है क्यूब रूट का मतलब होता है वन डिवाइडेड बाय थर्ड पावर यस तो हमारे पास फंक्शन ऐसे हो गया अब इस टर्म को मान लो ए इसका पावर एम और कंप्लीट फंक्शन का पावर एन अगर हमारे पास ए रेस टू एम होल रेस टू एन होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं ए रेस टू एम इन टू एन तो इसी टर्म को हम और कैसे लिखेंगे थ्री डिवाइडेड फाइव रहेगा एज इट इज इन ब्रैकेट वन डिवाइडेड बाय ये जो पूरी हम आगे जाके क्या लिखेंगे अगर मेरे पास वन डिवाइडेड बाई ए रेस टू एम ऐसा है तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ ए रेस टू माइनस एम तो यहाँ पर जो मेरे पास ये डिनोमिनेटर में पावर है इसको मैं न्यूमिनेटर में ले जाके माइनस लिख सकता हूँ तो इसको मैं लिख दूंगा थ्री डिवाइडेड बाई फाइव ये कॉन्स्टेंट एज इट इज रखा हमने टू एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव होल रेस टू ये नीचे फाइव बाई थ्री था जब ऊपर जाएगा तो माइनस फाइव डिवाइड बाई थ्री हो जाएगा अब ये जो हमारा कंप्लीट फंक्शन है वो किस फॉर्मेट में आ गया पहला कॉन्स्टेंट बाजू में रख दो ये जो आगे वाला टर्म है ये किस फॉर्मेट में आ गया एफ ऑफ एक्स होल रेस टू एन के फॉर्मेट में आ गया इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे एन इंटू एफ ऑफ एक्स होल रेस टू एन माइनस वन इन एफ डैश ऑफ एक्स राइट डिफ्रेंशियट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाय डी एक्स पहले तो ये कॉन्स्टेंट है इसको थ्री डिवाइडेड बाय फाइव उसके बाद ये जो हमारे पास फंक्शन रेस टू एन है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा एन इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन एन की वैल्यू है माइनस फाइव बाई थ्री हमने लिख दिया एज इट इज Into की वैल्यू क्या है ये पूरा फंक्शन होल माइनस फाइव बाई थ्री एन की वैल्यू है उसमें से अगर हम वन माइनस करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू माइनस एट अपॉन थ्री ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस एट डिवाइडेड बाई थ्री आगे क्या बचता है एफ डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा टू का डेरिवेटिव टू रहेगा एज इट इज एक्सक्वा डेरेवेटिव टू एक्स माइनस ये सेवन कॉन्स्टेंट रहेगा एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस फाइव का डेरिवेटिव जीरो तो आगे सिंप्लीफाई होके ये फंक्शन क्या आएगा यहाँ पे थ्री थ्री कैंसल फाइव फाइव कैंसल माइनस इन ब्रैकेट टू एक्स स्क्वेर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव होल रेस्ट टू माइनस एट अपॉन थ्री ये फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा फोर एक्स माइनस सेवन यहां पर भी उन्होंने हमें थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश की है लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले थ्री एक्स माइनस फाइव इसका पावर हमने क्या लिखना है यस माइनस yes, को एज इट इज़ रखो डिवाइडेड बाय पर भी हमारे पास क्या है थ्री एक्स माइनस फाइव इसका पावर हो गया बाई टू रूट मतलब उसका पावर वन बाय टू और ये होल रेस टू फाइव एज इट इज रखा हमने अब ये जो है इसी को हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं देखो थ्री एक्स माइनस फाइव होल रेस टू वन बाय टू इसको रखा एज इट इज माइनस ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर वन बाई टू है उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और पावर क्या लिखेंगे माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव इसकी पावर न्यूमरेटर में जाके क्या होगी माइनस वन बाई टू और ये हमारे पास होल लिस्ट टू क्या है फाइव ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम इस पूरी टर्म को एफ ऑफ एक्स मानते हैं और ये एन होता है तो ये फंक्शन क्या होगा एफ ऑफ एक्स होल लिस्ट टू एन होएगा मान लो ये जो थ्री एक्स माइनस फाइव है ये जियो ऑफ एक्स है तो ये क्या हो रहा है जियो ऑफ एक्स रेस टू वन बाई टू माइनस जियो ऑफ एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू ऐसा अंदर का फंक्शन है फिर इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे पहले ये वन बाई टू को ऐसे यहाँ पे रखेंगे वन बाई टू फिर जी ओफ एक्स एज इट इज़ वन बाई टू माइनस वन इज माइनस वन बाई टू आएगा और फिर आगे जी डैश ऑफ एक्स आ रहा है समझ में इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है तो सबसे पहले ये हमारा फंक्शन है और इसका पावर यहाँ पे एन की वैल्यू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाद में फिर अंदर का फंक्शन राइट सबसे पहले हमारा एन की वैल्यू है फाइव फाइव को लिख दिया हमने एज इट इज इधर हम लिख देंगे डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइव इन टू अब ये कंप्लीट ब्रैकेट हम एज इट इज लिखेंगे और ब्रैकेट की पावर फाइव माइनस वन आएगी राइट यहाँ पे फाइव माइनस वन इज फोर अब आगे किसका डेरिवेटिव ये अंदर की सारी टर्म्स का डेरिवेटिव थ्री एक्स माइनस फाइव होल बाई टू का डेरेवेटिव वन बाई टू इन टू थ्री एक्स माइनस फाइव होल्स टू वन बाई टू माइनस वन क्या होता है माइनस वन बाई टू राइट अब ये माइनस वन बाई टू हमने यहाँ पे लिख दिया उसके बाद हमारे पास क्या अंदर 3x minus 5 बचा ये अंदर थ्री एक्स माइनस फाइव बचा थ्री एक्स माइनस फाइव का डेरिवेटिव थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री और माइनस फाइव का डेरिवेटिव जीरो नहीं लिखा तो भी चलेगा माइनस का साइन हमने यहाँ वाला एज इट इज लिख दिया ठीक है अब क्या बचा हमारे पास ये वाली टर्म बची इस वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस वन बाई टू जो हमारा एन है एज इट इज़ लिख दिया हमने थ्री एक्स माइनस फाइव एज इट इज़ होल लेज टू माइनस वन बाई टू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू प्रोडक्ट में थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री माइनस फाइव का डेरिवेटिव ज़ीरो और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज ऐसे बनेगा हमारा डेरिवेटिव राइट right? फिर ये क्या हो जाएगा देखो फाइव एज इट इज थ्री एक्स माइनस फाइव होल ले टू वन बाई टू इसको अंडर रूट भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव होल्स टू माइनस वन बाई टू होल्लेस टू फोर यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा देखो हमारे पास वन बाई टू और यहाँ पर जो थ्री है देखो यहाँ पे थ्री होगा ये ब्रैकेट ये भी थ्री होगा इनको कॉमन लेते हैं हम तो इधर थ्री बाई टू लिख देंगे ब्रैकेट के बीच में क्या आएगा देखो ये वन बाई टू तो कट गया हमने कॉमन लिया ये भी कट गया हमारे पास क्या बचा थ्री एक्स माइनस फाइव होल्स टू माइनस वन बाई टू और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ये क्या बचेगा थ्री एक्स माइनस फाइव टू माइनस थ्री बाई टू ये हमारे पास दूसरा बचा सो दिस इज़ आवर फाइनल डेरिवेटिव अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या फिर आप मुझे थैंक यू कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो चैनल पर हज़ारों कमेंट्स आते हैं और मैं सबको रिप्लाई करता हूं आपको भी करूंगा और हाँ मुझे भूलना मत मेरा नाम स्पार्क है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ